साइन हो गया है, पापर साइन भाई। देखिए कोर्ट में हम इसलिए आए कि सीधा सीधा सरकार के लोग, सरकार के मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, पूरा देश जान रहा है, लाखों लोग ऑक्सीजन से मारे गए, तरफ तरफ के मरे, लेकिन सरकार और सरकार के मंत्री सीधा सीधा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ये जो झूठ बोलने का सीधा काम कर रहे हैं, वो भी संसद में ट्वीट करके झूठ बोल रहे हैं। इसी से मैंने आहत होकर आज न्यायालय के शरण में आया हूँ और न्यायालय से गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए, और माननीय न्यायालय ने मेरे मुकदमे को स्वीकार करने का काम किया और इसकी सुनवाई की तारीख 28/7/2021 को रखी है। क्या मांग करते हैं? देखिए मांग ये करते हैं कि आप जो सरकार के हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मांडविया और राज्य स्वास्थ्य मंत्री भारती परवीन जो हैं, ये जो है सीधा सीधा झूठ बोल के देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, आहत करने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई कोरोना में एक भी बंदा ऑक्सीजन से नहीं मरा। कैसे नहीं मरा सर, पूरा देश जानता है, लाखों लोग मरे, तरफ तरफ के मरे, लेकिन ये लोग देश के साथ छलावा करने का काम कर रहे हैं। सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाने से बच रही है। इसी के लिए मैंने आज मुजफ्फरपुर के CGM कोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री पर मुकदमा दायर किया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और इसकी सुनवाई की तारीख जो है 28/7/2021 को रखी है। आज मेरे माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने एक परिवाद पत्र माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दर्ज कराया है, जिसमें धारा 153A, 295, 295A के तहत मुकदमा की गई है, जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के विरुद्ध इन्होंने मुकदमा दायर किया है। इसकी अगली तारीख 28/7/2021 को तय की गई है और 28/7/2021 को ही सुनवाई की तिथि रखी गई है।